किस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 के सोल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें बोला है कि फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन इन द एक्सरसाइज 1 से 22 हमें इंटीग्रल फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ही रहा, तो आइए इसको कॉपी लिख लेते हैं, फिर इसको इसका सोल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है आई इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आई इज इक्वल टू, आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन, साइन स्क्वायर 2x + 5 dx, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तुम्हें पता है कि ये स्क्वायर फंक्शन है, और स्क्वायर फंक्शन का साइन स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर हो गया, या फिर टेन स्क्वायर, इनका डायरेक्ट हमें इंटीग्रेशन नहीं पता है। तो क्या करेंगे, इनको हम उन टर्म में तोड़ेंगे जिन जो लीनियर हो, जैसे कि कॉस 2 थीटा, आपको पता होगा कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। देखिए यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, तो क्यों ना इस वाले स्क्वायर को हम साइन मतलब कॉस में लीनियर बना दें। अब साइन स्क्वायर इधर आ जाएगा, यहाँ पर 2 होता है, सॉरी, हाँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का कॉस 2 थीटा हो जाएगा। अब फर्दर यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 नहीं है, तो या तो हम क्या करें 1/2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर लें, जिससे कि हमें ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट दिख जाए, या फिर इस 2 को इधर ट्रांसफर कर दें तो होल अपॉन में 2 आ जाएगा, ऐसे भी आप कर सकते हो। चलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर लिया। अब इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपनी जगह माइनस कॉस 2 थीटा, मतलब को थीटा तो नहीं होगा, थीटा की जगह पर यहाँ पर कितना है, थीटा की जगह पर यहाँ पर 2x + 5 है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हाफ ऑफ, देखिए 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और कॉस का होता है साइन, तो माइनस का साइन 2 ऑफ 2x + 5, और अपॉन में कोफिशियंट ऑफ x होता है, अपॉन में कोफिशियंट ऑफ x, तो यहाँ पर x का कोफिशियंट देखिए कितना है, 2 × 4 कोफिशियंट ऑफ x है, क्योंकि मल्टीप्लाई अगर आप अंदर करोगे तो 4x हो जाएगा, और फिर प्लस का आर्बिट्ररी c। अब इसको फाइनल आंसर आप लिख दीजिए, x/2, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, x/2 माइनस का साइन 2 मतलब 4x, अगर हम लिखना चाहें तो 4x + 10/8 + c, ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 4x। तो अब यहाँ आप क्या करोगे, देखिए अभी आपने बाय पार्ट पढ़ा नहीं है, या फिर आप इससे बाय पार्ट्स भी कर सकते हो, लेकिन बाय पार्ट्स भी आसानी से इस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको पता होगा 2 sin, अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 2 sin a × cos b इज इक्वल टू sin a + b प्लस sin a - b, ये फॉर्मूला होता है। इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके हम अगला स्टेप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin a + b, मतलब 3 ए की जगह पर 3x है, बी की जगह पर 4x, तो 3 + 4 7 हो जाएगा, 7x, बीच में प्लस था प्लस लगाया, और a - b, तो 3x - 4x, 3x - 4x माइनस का x आएगा, तो माइनस का साइन माइनस का x हो जाएगा dx। अब हमें ये भी पता है कि sin - θ इज इक्वल टू -sin θ, तो sin 7x - sin x dx। अब फर्दर इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, साइन का होता है माइनस कॉस, साइन का कितना होता है माइनस कॉस, तो माइनस का कॉस 7x अपॉन कोफिशियंट ऑफ x 7 हो जाएगा, और माइनस माइनस बिकम प्लस, कॉस x अपॉन कोफिशियंट ऑफ x 1 है तो छोड़ देंगे, प्लस का आर्बिट्ररी सी। अब इसे थोड़ा सा हम पॉजिटिव वाले को पहले लिख लेते हैं, हालांकि आंसर हो गया आपका, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव हमें लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है पहले, प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया, फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। ये थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है, अच्छा ये भी कुछ इसी पैटर्न पर है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x, इसको हमें सॉल्व करना है, dx। तो देखिए इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए किसी दो को एक साथ ले लीजिए, 2 cos x cos y का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 cos a × cos b वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, होता क्या है 2 cos a cos b, तो cos a + b + cos a - b, ये फॉर्मूला होता है।
ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले के हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो अभी देखिए मेरे हिसाब से आप लास्ट के दो डिजिट को ले लीजिए, लास्ट के दो फंक्शन को ले लीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ, हमने इन दोनों को एक साथ लिया, इन दोनों को एक साथ लिया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस, अब दोनों को ऐड कीजिए, तो ए प्लस बी, ए की जगह पर 4x है, बी की जगह पर 6x है, तो 10x हो जाएगा। अब बीच में प्लस साइन था, हमने प्लस लगाया, फिर कितना हो जाएगा ए माइनस बी, तो कॉस 4x माइनस 6x आ जाएगा 2x, कितना आ जाएगा 2x, और कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, इसलिए पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा, और कॉस 2 थीटा को हमने साइड में किया था तो साइड हो गया dx। अब फर्दर कॉस 2 थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हो जाएगा कॉस 10x इंटू कॉस 2x, फिर प्लस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x, कॉस स्क्वायर 2x। अब एक बात और यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नहीं किया था, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, यहाँ भी 1/2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई वाले को हमने फॉर्मूले में यूज़ कर लिया और डिवाइड वाला बाहर आ गया। अब फिर क्या करेंगे, फिर से इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो 1/4 हो जाएगा ये, और यहाँ हो जाएगा 2 cos 10x इंटू cos 2x हो जाएगा, अब फिर प्लस का 2 कॉस स्क्वायर 2x आ जाएगा, dx हो जाएगा। अब क्या कर सकते हो, फिर से इस फॉर्मूले से ओपन कीजिए, तो 1/4 कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर फिर से कॉस ए प्लस कॉस ए, 2 कॉस ए कॉस बी वाला फॉर्मूला जब लगाएंगे तो कॉस ए प्लस बी कितना हो जाएगा, कॉस 4x प्लस 2x कॉस 12x हो जाएगा, अब प्लस कॉस ए माइनस बी, तो कॉस 10x माइनस 2x इज इक्वल टू कॉस 8x आ जाएगा। और फर्दर आप कॉस स्क्वायर 2x को लिख सकते हो 1 प्लस का कॉस 4x। अभी कैसे आया इसको पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए बता दें। देखिए हमने फॉर्मूला हमें याद है कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है। अब थीटा की जगह पर 2 थीटा की जगह पर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर हमने 2 एंगल में 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 2 थीटा कर दिया, तो यहाँ भी तो वही करना पड़ेगा, थीटा की जगह पर 2 थीटा लिखना पड़ेगा, ठीक है, माइनस का 1। तो अब हमारे पास गिवन क्या था, देखिए हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा गिवन है, ए वाला टर्म गिवन है, ए वाला टर्म जो है गिवन था, ए वाला टर्म गिवन था, इस 1 को हमने इधर ट्रांसफर किया तो प्लस का हो जाएगा, और कॉस 2 इंटू 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 4 थीटा हो जाएगा, मतलब 4x हो जाएगा, और यहाँ पर 1 पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ से आई होप क्लियर हो गया होगा, बस इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, क्योंकि सभी लीनियर हो गए, जब सभी लीनियर हो गए तो सबको इंटीग्रेट कर दीजिए, 1/4 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, और कॉस 4x का कॉस 12x हो जाएगा, साइन 12x अपॉन 12 हो जाएगा यहाँ से, प्लस कॉस 8x का साइन 8x अपॉन 8 हो जाएगा, कोफिशेंट ऑफ x 1 का हो जाएगा x, और कॉस 4x का साइन 4x अपॉन 4 आ जाएगा, अब प्लस आर्बिट्ररी c। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4th की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में गिवन है साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। अभी तक हमें स्क्वायर का ही इंटीग्रेशन नहीं पता था, यहाँ क्यूब आ गया, तो हम क्या करेंगे, इस क्यूब को हम ऐसे फॉर्म में तोड़ेंगे जिससे कि सारा कुछ लीनियर हो जाए। तो उसके लिए आपको साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। अब हमारे पास है क्यूब गिवन था, तो इसको ट्रांसफर कर लीजिए, आपस में इंटरचेंज कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा साइन 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस का साइन 3 थीटा। अब फिर से 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो अब यानी इसका मतलब हम इसके जगह पर लिख सकते हैं, हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन, देखिए इसके जगह पर कितना हो जाएगा 3/4, मतलब 1/4 तो होल के बाहर है, हम चाहे तो 1/4 होल के बाहर ले सकते हैं और चाहे तो अंदर ही रख सकते हैं, तो 3 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, मतलब साइन 2x प्लस 1 हो जाएगा, और फिर उसके बाद माइनस था, माइनस लगाया, फिर साइन 3 थीटा था, साइन 3 इंटू 2x प्लस 1। आई होप क्लियर होगा सबको, आई होप क्लियर होगा। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, और या फिर डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकालना, डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हो, तो 1/4 अपनी जगह, अब देखिए 3 तो अपनी जगह रहेगा, 3 कॉन्स्टेंट है, और साइन का होता है माइनस कॉस थीटा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो माइनस
कॉस, और एक्स सॉरी यहाँ पर कितना 2x+3, तो एंगल अपने साथ आएगा 2x+1 अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोफिशियंट यहाँ 2 है तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। माइनस यहाँ हो जाएगा साइन का, देखिए साइन का होता है माइनस कॉस, तो ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि पहले से ऑलरेडी यहाँ माइनस है, ऑलरेडी माइनस है तो इसलिए क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 6x+3 अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स 6 हो जाएगा, अब प्लस आर्बिट्ररी सी। अब जो बाहर आपको 4 दिखाई दे रहा है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब पॉजिटिव को पहले लिख लीजिए, तो 6 4 = 24 हो जाएगा, 24 cos 6x+3 माइनस, देखिए अब इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो जाएगा 3/8, 3/8 cos 2x+1 प्लस आर्बिट्ररी सी। तो आई होप ये भी क्लियर होगा आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 4 का। अब एक क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे। भाई नंबर देखते हैं नंबर 5th में क्या गिवन है। नंबर 5th में आप गिवन है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। तो देखिए इस दोनों का क्यूब है तो हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का क्यूब, होल का क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का क्यूब था मल्टीप्लाई में है, तो होल का क्यूब लिख सकते हैं। अब इसी में 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर, क्यूब के अंदर ही 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कीजिए, तो 1/2 इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का क्यूब डी एक्स। अब ए मिल के क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा साइन, कितना किसका फॉर्मूला बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए 1/2 बाहर आके कितना क्यूब है तो 1/2 का क्यूब 1/8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का क्यूब तो साइन क्यूब 2 थीटा मतलब 2x हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। और अभी क्यूब वाला जस्ट मैंने भी सॉल्व कराया ऊपर, जस्ट अभी क्यूब वाला ऊपर सॉल्व कराया, तो इसलिए इसको यहीं पर स्टॉप कर देते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा सोल्यूशन, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, क्योंकि देखिए क्यूब वाला भी जस्ट बना दिया है कि कैसे बनता है, आपको ऐसे ही क्यूब वाला बनाना है, यहाँ पर जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले का यूज़ करके आपको क्यूब वाले का आंसर लिखना है, ठीक है, तो हो जाएगा, बहुत ईजी है, आप ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अच्छा सारे साइन दिया हुआ है, ठीक है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x dx, ये हमें गिवन है। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं, तो आपको ये पता, एक फॉर्मूला पता होगा आपको कि 2 साइन a इंटू साइन b इज इक्वल टू कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है 2 साइन ए साइन b। तो सबसे पहले किसी दो को एक साथ ले लीजिए, तो हम लास्ट के जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किए वैसे यहाँ भी कर रहे हैं, लास्ट के दो क्वेश्चन को मतलब लास्ट के दो टर्म को एक साथ ले लेते हैं और फर्स्ट को बाहर कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू हो जाएगी 2x और b की वैल्यू हो जाएगी 3x, तो हो जाएगा cos a माइनस b 2x माइनस 3x, तो माइनस का x आ जाएगा, बीच में माइनस से माइनस लगाइए, cos a प्लस b कीजिए तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3x 5x हो जाएगा। अब बाहर हमने किसको किया है sin को, तो sin x हमने यहाँ पर, देखिए एग्जाम में आपको ये फॉर्मूला भी मेंशन कर देना है, ये फॉर्मूला भी आपको मेंशन कर देना है, ऐसा नहीं कि बस डायरेक्ट आपने सॉल्व कर दिया। अब फर्दर क्या कीजिए, जब मल्टीप्लाई कर लीजिए, और हमें पता है कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो इंटीग्रेशन आप यहाँ हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, और यहाँ माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस 5x हो जाएगा। अब इसको फिर से आप सेपरेट कर सकते हो, अलग अलग दो इंटीग्रेशन में तोड़ सकते हो, क्योंकि अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर, मतलब 2 से तो हम मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड तो करना ही है, ठीक है, जिससे कि क्या हो जाएगा a साइन 2a का फॉर्मूला बन जाएगा, और यहाँ पर 2 साइन a cos b वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सके, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा साइन 2x, ठीक है, और माइनस अब यहाँ पर क्या होगा मेन मुद्दा यहाँ कि यहाँ क्या होगा, तो 1/2 को हमने बाहर ही रखा, तो देखिए अगर एक साइन और एक कॉस आ जाए, एक साइन और एक कॉस आ जाए तो दोनों जगह कितना होता है साइन ही होता है, तो यहाँ हो जाएगा
साइन यहाँ पर हो जाएगा आपका ए प्लस बी, मतलब इन दोनों को ऐड कीजिए तो एक्स हो जाएगा 6x हो जाएगा। फिर उसके माइनस आता है, लेकिन पहले से यहाँ माइनस पहले से, तो माइनस माइनस बिकम प्लस हो जाएगा, और एक्स माइनस वाई होता है तो 5x - x 4x हो जाएगा, तो यह हो जाएगा साइन 4x डी एक्स। अब देखिए यहाँ दो फॉर्मूला होता है, मैंने क्या किया है, ए को हमने 5 लिया है, बी को हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है, हमारे पास फॉर्मूला है 2cos A sin B, हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है क्योंकि हम किसी को आगे पीछे कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमने इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करके यहाँ पर साइन 6x और फिर माइनस का साइन 4x लिखा है, क्योंकि बाहर नेगेटिव था इसलिए पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। अब देखिए कितना आसान हो गया इसका इंटीग्रेट करना, अब भाई इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस का कॉस 2x अपॉन कोफिशेंट ऑफ x, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 6x अपॉन कोफिशेंट ऑफ x, फिर माइनस कॉस 4x अपॉन कोफिशेंट ऑफ x प्लस आर्बिट्रेरी c। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा माइनस का 1/4 कॉस 2x, फिर प्लस 1/12 कॉस 6x, माइनस 1/8 कॉस 4x प्लस c, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखते हैं 8 नंबर क्या है, अच्छा 7 है। देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप आसानी सॉल्व कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करने के बाद ये फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आपको आंसर दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसको मैं नहीं करवा रहा हूँ, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर दिखा है 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देखिए 1 रहे और cos रहे, मतलब 1 के साथ प्लस में cos हो, 1 के साथ माइनस में cos हो, तो उस केस में cos 2 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। अब कहेंगे सर cos 2 है नहीं, तो हाफ एंगल भी तो ओपन कर सकते हैं 1 - अब देखिए यहाँ पर हमें ऐसा करना है कि 1 नेगेटिव आए, हमें ऐसा यहाँ पर फॉर्मूला ओपन करना है कि 1 नेगेटिव में आए, तो नेगेटिव में कौन सा था 2 sin² x/2 - 1। एक मिनट सॉरी हो गया, उल्टा हो गया फॉर्मूला, यहाँ होता 1 - 2 sin² x/2 हो जाएगा, और अपॉन देखिए 1 + यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 cos² x/2 - 1। अब देखिए जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 - 1 - +2 sin² x/2 - 1। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ए हमारे पास प्लस वन और ये माइनस वन कैंसिल आउट, यहाँ प्लस वन माइनस वन कैंसिल आउट, और 2 फिर जब सबको कैंसिल आउट कर देंगे तो 2/2 बचेगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर कितना होता है 10, तो यहाँ हो जाएगा 10² x/2 इसका इंटीग्रेशन। आप कहेंगे सर हमें तो 10 का भी नहीं पता, तो 10 को आप तोड़ लीजिए इन टर्म्स ऑफ sec, तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec² x/2 - 1, ये इसमें टूट जाएगा। ठीक है, फर्दर हम इसमें ब्रेक कर लेंगे। अब ब्रेक करने के बाद सेक स्क्वायर को आपको इंटीग्रेशन पता है कि सेक का 10x होता है 10x/2, और अपॉन कोफिशेंट ऑफ x होता है, तो कोफिशेंट ऑफ x 1/2 आएगा, अपॉन में 1/2 आएगा, और डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर, तो यहाँ से 2 यहाँ आ जाएगा, अब माइनस इसका x हो जाएगा प्लस आर्बिट्रेरी सी। सो जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो हो जाएगा 2 tan x/2 - x + c, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। आई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स अपॉन 1 + cos x dx।
तो ये भी देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, वन ऐड वन सब्ट्रैक्ट करना है। तो वन प्लस का कॉस एक्स हो जाएगा और माइनस का वन, ठीक है। हमने प्लस वन ऐड किया, वन सब्ट्रैक्ट किया, अपॉन में कितना हो जाएगा, वन प्लस का कॉस एक्स, जितना है उतना ही रहने दीजिए। अब इसे बस सेपरेट कर लीजिए, इसे बस सेपरेट कर लीजिए। जब सेपरेट करेंगे तो वन प्लस का कॉस एक्स हो जाएगा, अपॉन में वन प्लस का कॉस एक्स हो जाएगा, और माइनस, क्योंकि माइनस है तो माइनस लगा दिया, और वन अपॉन वन प्लस का कॉस एक्स। अब देखिए जो फर्स्ट टर्म है तो वो कट के वन हो गया, फर्स्ट टर्म कट के कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस। देखिए अब यहाँ पर इसको हम ओपन कर लेते हैं, हाफ एंगल से ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर वन प्लस है, इसका मतलब हमें माइनस वाला चाहिए। तो टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और फिर माइनस का वन, तो वन से वन कैंसिल आउट यहाँ हो जाएगा। तो वन से वन कैंसिल आउट होकर वन बाई कॉस कितना होता है, वन बाई कॉस सेक होता है, तो वन बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस हाफ ऑफ सेक स्क्वायर एक्स मतलब एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, क्योंकि हाफ एंगल था डी एक्स। अब आपको इंटीग्रेशन सबका पता है, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स हो जाएगा। अब यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का वन बाई टू अपनी जगह कांस्टेंट है, और टेन को सेक स्क्वायर का टेन होता है, तो टेन एक्स बाई टू अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स, तो वन बाई टू आ जाएगा। तो इसका मतलब टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब प्लस आर्बिट्री सी, तो टू से टू कैंसिल आउट। तो फाइनल आंसर कितना बचेगा, एक्स माइनस टेन एक्स बाई टू प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर था, ये क्वेश्चन नंबर 8 था, आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अगर कोई अब भी कोई डाउट आ रही, किसी भी तरीके के डाउट है, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहाँ से हमसे पूछ सकते हैं किसी भी तरीके का डाउट आ रही है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ गया, 9 हो गया यहाँ पर, 11 हो गया, 10 यहाँ पर। ओ साइन के पावर 4x आ रहा है dx। तो इसको हम कैसे डील करेंगे, तो इसको डील करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx, ठीक है, इतना हो गया। देखिए हमें स्क्वायर का तो पता नहीं इंटीग्रेशन, तो पावर 4 का भी नहीं पता होगा, तो हम क्या करने वाले हैं, इसको हम लीनियर में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो लीनियर में कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, कॉस टू थीटा वाले फॉर्मूले से। तो इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस का कॉस टू थीटा कॉस टू एक्स, यहाँ पर एक्स है तो टू एक्स की बात करेंगे, अपॉन में कोफिशेंट, मतलब अपॉन में टू आ जाएगा, क्योंकि टू जब हम कॉस टू थीटा का फॉर्मूला ओपन करते हैं, कॉस टू थीटा कितना होता है, वन माइनस का टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ए इधर आ जाएगा और ए इधर चला जाएगा, और यहाँ पर देखिए टू है तो टू अपॉन में आएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वन बाई टू आ जाएगा, और इसका होल स्क्वायर। अब फिर से स्क्वायर ओपन कीजिए आप। देखिए जब इसका होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो पहले 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, इसको हमने बाहर कर लिया क्योंकि होल के अपॉन में है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2x, अब प्लस 2ab, माइनस का 2 कॉस 2x हो जाएगा, ठीक है, इतना आगे। अब अगला स्टेप क्या होगा, इंटीग्रेशन 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए 1 को तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, प्लस अब कॉस स्क्वायर 2x को, जब कॉस स्क्वायर 2x को फिर से किस में ओपन कीजिए, हाफ एंगल वाले में से, मतलब सॉरी एंगल इस वाले फॉर्मूले से कॉस टू थीटा, तो कितना होता है, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास कॉस टू थीटा है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर थीटा की जगह पर हम 2 थीटा रख देंगे, तो यहाँ थीटा की जगह 2 थीटा रखेंगे तो 4 थीटा हो जाएगा, और हमें यहाँ पर दिख रहा है कि 2 नहीं है, हमें यहाँ पर दिख रहा है 2 नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। जैसे 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, ए वाला टर्म क्या बन जाएगा, ये वाला टर्म बन जाएगा, देखिए 1/2 तो अपनी जगह रहेगा, 1/2 अपनी जगह रहेगा। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये निगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब कॉस 4x प्लस 1 हो जाएगा, कॉस 4x प्लस 1 किसके प्लेस पर, ये हो जाएगा कॉस 2 कॉस स्क्वायर 2x के प्लेस पर। अब बाकी अगला टर्म क्या था, अगला टर्म आपका माइनस का 2 कॉस 2x था, तो इसको एज इट इज़ लिख दीजिए, इसको आप एज इट इज़ लिख दीजिए, और dx हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके फिर इंटीग्रेट कर देते हैं, 1/4 1 अपनी जगह रहेगा, प्लस का कॉस 4x कॉस 4x बाई 2 प्लस 1/2 माइनस 2 कॉस 2x हो जाएगा, और dx हो जाएगा। अब देखिए आपको सब लीनियर में आ गया,
सबका इंटीग्रेशन आपको पता है, तो 1/4 बाहर रखिए, 1/4 बाहर रहेगा। अब एक्स का, 1 का इंटीग्रेशन देखिए, अब इसको चाहे तो आप ऐड भी कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास कितना है 1, यहाँ पर इसको लिख देते हैं 1 प्लस का 1/2, तो कितना हो जाएगा 3/2। देखिए यहाँ पर अगर हम इसको अलग कलर से देखें तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1/2 है, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा, दोनों मिलके 3/2 हो जाएगा, तो आ जाएगा 3/2 एक्स, क्योंकि कॉन्स्टेंट है 3/2, तो इसका कॉन्स्टेंट का हमारे पास dx का x होता है, तो x हो गया। कॉस 4x का हो जाएगा साइन 4x, साइन 4x अपॉन कोफिशेंट ऑफ x, तो पहले से 2 है, 4 और आ जाएगा तो 8 हो जाएगा, 4 2 8, या फिर लिखना है तो आप लिख लीजिए कि 2 पहले से था और एक कोफिशेंट ऑफ x 4 अभी को आया है। माइनस 2 कॉस का साइन हो जाएगा साइन 2x अपॉन कोफिशेंट ऑफ x 2 प्लस आर्बिट्रेरी c। अब इसे एक बार और सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए, फाइनल आंसर हो जाएगा आपका। देखिए चाहे तो 1/4 का मल्टीप्लाई कीजिए सी में, चाहे मत कीजिए, लेकिन वो सी ही रहेगा, वो कांस्टेंट ही रहने वाला है, बदल नहीं जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 3/8 एक्स प्लस, यहाँ से देखिए 8 आ चुका है, तो कितना हो जाएगा साइन रेज साइन 4x अपॉन 32, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, या माइनस का 1/4 साइन 1/4 साइन 2x आ जाएगा प्लस आर्बिट्ररी सी, ये आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर आपका ए मिल जाएगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 11 की तरफ, 10 तक हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 11। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, आप देखते हैं कितना गिवन है क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 जस्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, कॉस जो 4 2x गिवन है, जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया वैसे आप भी ट्राई कीजिएगा, आ जाएगा, नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा, आप पूछ लीजिएगा मुझसे, मैं बता दूंगा। अब भाई क्वेश्चन नंबर सीधे चलते हैं 12 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि 11 जस्ट सिमिलर है, तो सिमिलर क्वेश्चन को करके आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वीडियो का लेंथ भी वैसे बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन देना होता है। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये है डी एक्स। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब साइन स्क्वायर को हम कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर 1 है, क्या हम 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, 1 तो है, 1 का स्क्वायर कर ले, क्यूब कर ले, फोर्थ कर ले, 1 पर क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला है। तो 1a² माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी आ जाएगा, और अपॉन दिया हुआ है 1 प्लस कॉस एक्स, तो देखिए 1 प्लस कॉस एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, अब बच कितना आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स बच जाएगा डी एक्स। अब आपको पता है कि 1 का एक्स होता है और कॉस एक्स का माइनस कॉस एक्स था, तो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा और प्लस का आर्बिट्रेरी सी, ये आंसर आ जाएगा, बस कुछ नहीं करना इसमें। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 है क्या, उसको ओपन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आई इज इक्वल टू, तो 13 अच्छा इधर है 13, अच्छा 13 भी आपका क्वेश्चन नंबर 12 की तरह, लेकिन अभी आप लोग को अभी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन एक स्टेप जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे आपको क्लियर दिखाई दे जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 13 कुछ और नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ है। ए अल्फा है, 2 अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा हो जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करने वाले हम, इसको सॉल्व करेंगे डी एक्स। तो सबसे पहला काम है कि कॉस 2 थीटा को ओपन कीजिए, और क्योंकि नीचे कॉस गिवेन है तो इन टर्म्स ऑफ कॉस ही आपको ओपन करना है, तो कितना हो जाएगा 2 cos² x - 1, ये तो पहले का हो गया, और सेकेंड का हो जाएगा 2 cos² α - 1 अपॉन, इसको डिनोमिनेटर को छेड़िए मत, डिनोमिनेटर जैसे है वैसे रहने दीजिए क्योंकि कटने वाला है, ये कटने वाला है कॉस स्क्वायर अल्फा। अब जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे तो कितना मिलेगा 2 cos² x - 1 और माइनस 2 cos² α - 1 इस बिकम प्लस अपॉन cos x - cos α 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए दोनों में माइनस, अब दोनों में 2 है तो हम 2 कॉमन लेते हैं, 2 बाहर ले लिया, तो जैसे ही 2 बाहर लेंगे हो जाएगा cos² x - cos² α हो जाएगा cos x - cos α डी एक्स। अब ये क्या मिल रहा है आपको, अब आपको क्या दिख रहा है, a² - b² तो cos x
प्लस कॉस अल्फ़ा लिख सकते हैं इसको, और नेक्स्ट ब्रैकेट में कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा लिख सकते, सॉरी यहाँ पर एक्स होगा, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा अपॉन में कितना गिवन है, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इंटीग्रेट करते वक्त एक बात आपको ध्यान देनी है, यहाँ पर इंटीग्रेट करते वक्त एक बात आपको ध्यान देनी कि ये वेरिएबल कॉस एक्स वेरिएबल है, तो इसका हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। अब गलती से इसका साइन अल्फ़ा मत करके चले आइएगा, गलती से भी साइन अल्फ़ा, क्योंकि एक्स अल्फ़ा जो है वेरिएबल नहीं है, तो ए एज अ कॉन्स्टेंट रेट होगा, ए एज अ कॉन्स्टेंट रेट होगा, तो प्लस एक्स कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, प्लस का सी आ जाएगा यहाँ से। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो टू साइन एक्स प्लस टू एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस सी, ए आंसर हो जाएगा। तो अक्सर आप लोग जल्दबाजी में गलती कर दोगे कॉस अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा लिख के चले आप। अब भाई नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखते हैं 14 क्वेश्चन कौन सा है, 14 अच्छा यहाँ पर है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस का साइन टू एक्स। तो खैर हमें तो दिख गया कि आगे क्या करना है, आगे कौन सा स्टेप आपको लेना है। तो देखिए अगले स्टेप में आपको क्या करना है, अगले स्टेप में आपको ऊपर वाले को अभी छेड़िए मत, ऊपर जैसे वैसे एज्यूम रहने दीजिए उसे, जैसे वैसे इसको एज इट इज़ रहने दीजिए। अब वन को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स, टू साइन एक्स कॉस एक्स, वन को तो हम लिख सकते हैं ना, वन का क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमने लिख दिया, और साइन टू एक्स को टू साइन एक्स कॉस एक्स लिख दिया। तो इससे हमें क्या दिखाई दिया कि ए स्क्वायर ए हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर और प्लस का टू ए बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो कितना हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये हमें मिल जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को टी लेट कर लेना है, अब आपको क्या करना है डिनोमिनेटर को टी लेट कर लेना है, तो लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, जैसे आप टी लेट करोगे इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो साइन का कितना हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, क्योंकि डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखिए आपके नोमिनेटर में यही गिवन है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए यहाँ पर अगर हम इसको अगर मार्क करें तो इसकी जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं डी टी, यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा डी टी, और डिनोमिनेटर को इसको हमने टी लेट कर रखा है, तो उसको टी लेट रखा है तो टी स्क्वायर हो जाएगा। अब टी स्क्वायर जनाब ऊपर जाके टी के पावर माइनस टू हो जाएगा और डी टी हो जाएगा। अब यहाँ एक्स के पावर एन वाले फॉर्मूले से ओपन कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा टी के पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस आर्बिट्रेरी सी, तो ये कितना हो जाएगा टी के पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, माइनस टू प्लस वन माइनस वन हो जाएगा प्लस का सी। अब टी के पावर माइनस वन इसका मतलब वन बाई टी हो जाएगा प्लस सी। अब आपने टी किसको एज्यूम किया था, तो हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस आर्बिट्रेरी सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, आप देखते हैं 15 क्वेश्चन है क्या, 14 यहाँ हो गया, अच्छा 15, तो यहाँ दिया हुआ है टेन क्यूब टू एक्स इंटू सेक टू एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ सब्सटीट्यूट से नहीं होगा, अगर आप सब्सटीट्यूट कर दो, अगर टी को हमने मतलब टेन टू एक्स को हम टी मान लें तो इसका डिफरेंस सेक स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पर सेक है, तो सबसे पहला काम है कि इसको थोड़ा सा पहले ब्रेक करो आप, तो टेन क्यूब को हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर टू एक्स इंटू टेन एक्स, टेन टू एक्स लिख सकते हैं, बेस बराबर से पावर एड हो कि यहाँ पर टू यहाँ पर वन तो हो जाएगा थ्री, और फिर सेक टू एक्स डी एक्स। अब फर्दर टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं कितना, सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस वन इंटू टेन टू एक्स, टेन टू एक्स इंटू सेक टू एक्स। अब यहाँ पर क्या कीजिए आप, अब यहाँ पर लेट, अब लेट कर लीजिए, अब किसको आपको टी, आपको यहाँ पे ये समझना हो कि इसको टी लेट करना है, क्योंकि देखिए अगर हम सेक टू एक्स को टी लेट करें, सेक अगर हम टू एक्स को टी लेट किया हमने, जब टी लेट करेंगे तो हमें इसका डिफ्रेंसिएशन पता होना चाहिए कि इसका डिफ्रेंस सेक टू एक्स इंटू टेन टू एक्स होगा, और फर्दर टू एक्स का कितना हो जाएगा
फर्दर 2x का 2 आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। लेकिन जब हम देख रहे हैं तो हमारे पास इतना आइटम है, 2 नहीं है, तो 2 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो अब इधर से हट के 2 इधर आ जाएगा, तो sec 2x इंटू टेन 2x dx इज इक्वल टू हाफ ऑफ dt हो जाएगा। बस रख दीजिए यहाँ पर। तो देखिए हमारे पास i इज इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब देखिए sec को हमने क्या माना है, t, तो sec स्क्वायर को हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1, और बाकी इसकी जगह पर हम हाफ ऑफ डी रख दिया, तो टी हाफ हमने पहले ही बाहर रख रखे हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो 1/2, अब देखिए टी का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3, और माइनस 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी टी हो जाएगा, ठीक है ना। अब टी की वैल्यू हमने क्या लेके रखा था, उसको दोबारा से सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ से sec 2x, तो हो जाएगा sec क्यूब 2x बाई 3 माइनस का sec 2x प्लस आर्बिट्रेरी सी, यहाँ पे इंटीग्रेशन खत्म हो गया था, तो प्लस सी लगा दीजिए, ये आंसर आपका हो जाएगा। अगर और क्लियर करना है आंसर, तो अंदर बस 1/2 जो बाहर उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1/6 sec क्यूब 2x माइनस 1/2 sec 2x प्लस सी, ये फाइनल आंसर मान लीजिए कि फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा काफ़ी हद तक। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर एक मिनट, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है क्या। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा इधर नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब इधर, अच्छा टेन के पावर 4x, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, टेन के पावर 4x dx इज इक्वल टू, तो जब 4 है तो हम क्या करेंगे, सो 2 में डिवाइड कर देंगे, टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, बेस बराबर पावर ऐड करके फिर से 4x बना लेगा। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, एक को ओपन कर देना है, एक को हमें ओपन कर देना है sec में, तो sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर x dx। अब आगे क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू टेन स्क्वायर x, अब माइनस टेन स्क्वायर x। अब देखिए टेन स्क्वायर एक्स का आपको इंटीग्रेशन पता नहीं है, तो फिर से हमें इसको sec में बदलना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स माइनस, अब देखिए इसका होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, ठीक है। अब फिर से इसको ब्रेक कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, हमने अलग अलग कर लिया, अलग अलग इसलिए किया क्योंकि अभी हम टेन को टी लेट करने वाले हैं, लेट टेन एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये कितना हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो अब देखिए यहाँ पर हमें क्या कितना मिला sec स्क्वायर एक्स, और डी एक्स के प्लेस पर हम कितना रख सकते हैं, इसके प्लेस पर हम डी टी पुट कर सकते हैं आसानी से, तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, या इसको हमने टी लेट किया है तो टी स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी। अब बाकी इसका आपको डायरेक्ट पता है, इसका आपको डायरेक्ट sec स्क्वायर एक्स का पता है कि टेन एक्स होता है, तो यहाँ पर टेन एक्स हो जाएगा, और इसका भी आपको पता है कि माइनस का एक्स हो जाएगा प्लस आर्बिट्रेरी सी हो जाएगा। अब टी का इंटीग्रेट करेंगे तो टी क्यूब बाई 3 आ जाएगा, टी क्यूब बाई 3 माइनस का टेन एक्स माइनस का एक्स प्लस का सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपने टी किसको लिया था टेन एक्स को, तो यहाँ हो जाएगा टेन क्यूब एक्स बाई 3 माइनस टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा हमारे, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर हो गया कि ये जो बाहर देखिए यहाँ पर माइनस पहले था ना, तो माइनस इसको क्या कर देगा, जब हमने अलग अलग कर दिया सेपरेट कर लिया, तो ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 16, आइए 17 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, तो देखते हैं 17 में क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 17, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा 17 है, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इसे सेपरेट कर लेना आपको, बस इसे क्या करना है सेपरेट कर लेना। आइए सेपरेट करते हैं, देखते हैं सेपरेट करने के बाद हमें क्या मिलता है, तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस
स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए एक से मतलब क्यूब से मतलब यहाँ से अगर हम इसको काटें तो यहाँ पे स्क्वायर से कट गया ये और यहाँ ए से कट जाएगा, तो ऊपर बचा है साइन, ऊपर क्या बचा है साइन, और साइन नीचे कॉस स्क्वायर, तो एक एक साइन एक्स बाई कॉस एक्स कितना कर देगा टेन एक्स कर देगा, और एक कॉस बच जाएगा वन बाई कॉस कितना हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा था देखिए साइन एक्स अपन इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ बचा है कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, और साइन बाई कॉस कितना बन जाएगा टेन, और वन बाई कॉस कितना बन जाएगा सेक, तो वही हमने यहाँ लिखा हुआ है। सिमिलरली यहाँ देखिए प्लस है, सिमिलरली कॉस बाई साइन कॉट बन जाएगा कॉट एक्स, और वन बाई साइन कितना बन जाएगा कोसेक एक्स कोसेक एक्स, ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा। और दोनों का इंटीग्रेशन आपको पता है कितना होता है, तो मैंने इसका शॉर्टकट भी बताया था कैसे याद करते हैं, सेक टेन सेक कोसेक का सेक एक्स हो जाएगा, और कोफिशियंट ऑफ एक्स वन है इसलिए नहीं लिखेंगे, और इसका हो जाएगा माइनस का कोसेक एक्स कोसेक एक्स प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 डन। अब एक क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं 18 नंबर में क्या, क्वेश्चन नंबर 18 में आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू एक्स प्लस का टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है डी एक्स। अब सबसे पहला काम है कि इसको ब्रेक कर दीजिए, आप इसको ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक कैसे करेंगे आप इंटीग्रेशन, आप कॉस टू एक्स को हम लिख सकते हैं वन माइनस का टू साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, हमने साइन में इसलिए तो ओपन किया है ताकि हमें आगे प्लस का साइन टू एक्स है टू साइन स्क्वायर एक्स, कितना आसान हो गया ना, अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, तो देखिए यहाँ से साइन एलिमिनेट हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बच कितना आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, तो बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, या फिर हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है टेन एक्स प्लस सी, ए आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 19 आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 19 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 वन अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर में कॉस एक्स से मल्टीप्लाई एंड कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे ताकि हम इसे टेन बना सकें, तो वन अपॉन ये देखिए साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हमने किया और यहाँ पर कॉस एक्स किया हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया इंटू कॉस क्यूब पहले से था, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास अगला स्टेप क्या हो जाएगा वन अपॉन ए टेन एक्स हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स कॉस के पावर फोर एक्स कॉस के पावर फोर एक्स ऊपर जाके कितना बन जाएगा सेक के पावर फोर एक्स हो जाएगा सेक के पावर फोर एक्स, सही है, क्योंकि देखिए कॉस एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स ये हो जाएगा कॉस रेज फोर एक्स, और वन अपॉन कॉस फोर एक्स कितना होता है सेक रेज फोर एक्स, तो आपको शायद आई थिंक आंसर दिख गया होगा, तो अगले स्टेप में कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स, फिर अगले स्टेप में कितना हो जाएगा डी एक्स, अगले स्टेप में एक सेक को बदल दीजिए टेन में, तो टेन स्क्वायर एक्स माइनस वन सॉरी प्लस वन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स, बस सॉल्यूशन हो गया इसी जगह। अब क्या करना है आपको लेट, अब आपको लेट करना है लेट टेन एक्स इज इक्वल टू टी, तो टेन एक्स टी लेट करेंगे तो टेन का कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डिफरेंशिएशन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो देखिए आपको दिख रहा है ना इसके जगह पर हम कितना रख देंगे डी टी, बाकी जहाँ टेन दिख रहा है वहाँ पर आप टी रख दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा टेन इसका हो जाएगा आपका टेन टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी, और बाकी इसका इसकी जगह पर डी टी हो जाएगा। अब इसे क्या कीजिए सेपरेट कर लीजिए, जब इसे सेपरेट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर बाई टी प्लस वन बाई टी डी टी, तो टी से टी कैंसिल आउट यहाँ टी बच जाएगा और प्लस का वन बाई टी बच जाएगा और डी टी। अब देखिए टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू और वन बाई टी का लॉग टी प्लस आर्बिट्रेरी सी, अब टी को हटा दीजिए सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपने टी को टेन माना था तो टी स्क्वायर टेन स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस
लॉग ऑफ टेन टी, टेन टी, क्योंकि टेन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों था इसलिए इसको मॉड में लिखेंगे, प्लस का सी ए आंसर हो जाएगा हमारा। तो आई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन और बच गया है, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या गिवन है उसको पहले देख लेते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 20 कॉस ऑफ 2x अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स द होल स्क्वायर, ये गिवन है। तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं, पहले कॉस को ओपन कीजिए साइन और कॉस में। तो कॉस का एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब कहेंगे इसी में हमने क्यों ओपन किया, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर अच्छा नहीं लग रहा देखने में, हमें डिनोमिनेटर को हटाना है इसलिए हमने इस फॉर्म में ओपन किया। और आपके ऊपर आप किसी भी फॉर्म में ओपन कर सकते हो, लेकिन इस फॉर्म में ओपन करने से आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और सेकेंड ब्रैकेट में कॉस एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आ जाएगा अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। यहाँ से क्या होगा, अब देखिए कॉस एक्स साइन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी जो बच जाएगा उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, यहाँ से हो जाएगा साइन एक्स, और साइन का होता है माइनस कॉस, तो प्लस का कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस आर्बिट्ररी सी ए आंसर आ जाएगा आपका। कितना आसानी से आ गया। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर स्क्वायर था मैंने ध्यान नहीं दिया, अगले स्टेप में स्क्वायर लिखा, यहाँ से स्क्वायर छूटा तो पूरा जगह छूट गया। देखिए एक कट जाएगा लेकिन एक बचेगा, अभी इंटीग्रेट मत कीजिए इतना जल्दबाजी में अक्सर गलत हो जाता है आंसर। तो हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये बचा हुआ है डी एक्स, ठीक है। तो कुछ नहीं, ये भी आसान है, लेट आप यहाँ पर लेट कर लीजिए, लेट डिनोमिनेटर को टी लेट कीजिए, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। जब टी लेट करेंगे तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। अब यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, जैसे ही माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन कॉस एक्स पॉजिटिव होगा, इसे पहले लिख दिया, माइनस का साइन एक्स नेगेटिव हो जाएगा और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब इस माइनस साइन को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, इसलिए हमने किया क्योंकि न्यूमरेटर में हमें कॉस एक्स माइनस साइन एक्स गिवन था। तो जो हमारा इंटीग्रेशन है वो बन जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए इसको तो हमें इसके जगह पर हम कितना लिख देंगे माइनस का डी टी, इसके जगह पर माइनस का डी टी, माइनस कॉमन बाहर ले लिया हमने, अपॉन टी हो जाएगा क्योंकि सेकेंड को हमने टी लेट किया था, तो माइनस का लॉग टी हो जाएगा, लॉग टी प्लस। अब हमें टी की वैल्यू पता नहीं है पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इसलिए मॉड में लिख रहे हैं। अगर हमें श्योर हो जाए कि टी पॉजिटिव है तो मॉड हटा सकते हैं, अदरवाइज टी को टी रहने दीजिए, लॉग टी को मॉड में टी को मॉड में टी रहने दीजिए, माइनस का लॉग। अब देखिए अब आते हैं टी, टी हमने किसको लिया था, टी हमने लिया था कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो यह हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस आर्बिट्री सी, ये आंसर फाइनल आंसर ये होगा। वो पहले थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था क्योंकि स्क्वायर दिखा नहीं था। अब एक क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ देखते हैं 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ओ वाओ अच्छा क्वेश्चन है, साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स। तो देखिए बाहर अगर साइन इनवर्स है तो अंदर वाले एंगल को भी हमें, अंदर वाले फंक्शन को भी साइन में कन्वर्ट करना है, और हमें कॉस को साइन कन्वर्ट करना आता है। कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, साइन इनवर्स इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाय टू माइनस एक्स, लिख सकते हैं कॉस एक्स को साइन पाई बाय टू माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब साइन से साइन एलिमिनेट हो जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स डी एक्स, ये इतना हो जाएगा। या तो आप ऐसे एलिमिनेट कर लीजिए, या तो आपको एक फॉर्मूला पता है ट्रिग्नोमेट्री का कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वन होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू होता है, पाई बाय टू। तो अब यहाँ से भी इसको एलिमिनेट कर सकते हो, यहाँ से भी इसको एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन मुझे ये ज़्यादा आसान लगा। तो आपके ऊपर अब जिस मेथड चाहे उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। पाई बाय टू कॉन्स्टेंट है, डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स आ जाएगा, और एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा प्लस आर्बिट्ररी सी। अब यहाँ क्योंकि कुछ सब्सिट्यूट नहीं किया था इसीलिए यही आंसर फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद लास्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जहाँ तक हमें इंटीग्रेट करना था वहाँ पहुँच गए। क्वेश्चन नंबर 22 आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है,
इंटीग्रेशन ऑफ ओ वाओ, अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। वन अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ अलग से कुछ इसमें एडिशनल काम करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, इसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ कि जो पहले जो आपको ब्रैकेट में गिवन है उसको आप लिखिए। ये एक ट्रिक है कैसे आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, क्या मतलब क्या आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो एक्स माइनस ए और माइनस कर दीजिए एक्स माइनस बी से, देखिए क्या मिल रहा है माइनस करने पर। इसको ओपन करेंगे तो मिल जाएगा एक्स माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी, तो एक्स एक्स कैंसिल आउट, तो मिल गया हमें बी माइनस ए। ठीक है, बी माइनस ए, बी पॉजिटिव था इसलिए पहले लिख दिया। अब इसका मतलब हम इसमें जो मल्टीप्लाई करने वाले हैं, आई इज इक्वल टू साइन बी से साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको अंदर रखेंगे, और क्योंकि कांस्टेंट है तो हम अंदर बाहर कहीं भी इसको रख सकते हैं, इसको हमने बाहर रख दिया। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन बी माइनस ए, अभी आपको आगे पता चलेगा कि ऐसा क्यों किया हमने। कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। ठीक है, ए इतना हो गया। अब देखिए इसमें अब हम अपने हिसाब से ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसमें इसमें हमने प्लस वन मतलब एक्स ऐड किया, अब क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए प्लस माइनस एक्स माइनस बी लिख सकते हैं। यही तो है ऊपर, देखिए यही तो आया था हमारे पास, एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस बी हो जाएगा, यहाँ पर एक्स प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, जिससे कि कोई फ़र्क कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है उसको लिखिए एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले, यहाँ पर फॉर्मूला बनाने वाले, इंटीग्रेशन ऑफ साइन, अब देखिए यहाँ पर एक्स माइनस ए को हमने एक साथ लिखा और माइनस एक्स माइनस बी को एक साथ लिख दिया। ठीक है, हमने साइन ए प्लस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं, तो कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, ताकि अंदर फिर से अगर माइनस साइन अब अंदर ले जाओ तो एक्स माइनस हो जाएगा और बी क्या होगा प्लस हो जाएगा, यानी इसका मतलब वो सही ऊपर। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन करने वाले हैं। तो साइन ए कॉस बी साइन एक्स माइनस ए हो जाएगा इंटू कॉस एक्स माइनस बी हो जाएगा, और माइनस कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी हो जाएगा। बस इतना होने के बाद क्या कीजिए, ये डिनोमिनेटर को सबको अलग अलग कर दीजिए, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी, सॉरी एक्स माइनस बी। ठीक है, अब होगा क्या यहाँ से, यहाँ पर देखिए ऊपर नोमिनेटर में क्या कॉस एक्स माइनस बी और कॉस एक्स माइनस बी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, तो देखिए यहाँ बचा साइन एक्स माइनस ए, यहाँ बचा कॉस एक्स माइनस ए, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन एक्स माइनस ए लीनियर हो गया, और टेन का आपको इंटीग्रेशन पता है। माइनस यहाँ भी देखिए टेन साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी, तो टेन एक्स माइनस बी हो जाएगा, यहाँ भी लीनियर है आपको पता है। ठीक है, दोनों का इंटीग्रेशन आपको पता है कितना होगा, तो टेन का कितना होता है, अच्छा एक मिनट यहाँ पर देखिए सब में से यहाँ पर जो बाहर चल रहा था ना उसको लिखना मैं भूल गया, तो यहाँ पर साइन बी माइनस ए सब में होगा, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वन अपॉन साइन बी माइनस ए सब में चला रहा है, और वही यहाँ भी होगा वन अपॉन साइन, ये छूट गया था और कोई गलती वाली बात नहीं, बस छूट गया था क्योंकि हमारा मेन फोकस मेन फंक्शन पर है। लेकिन आप लोग ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में ऐसी गलती की है तो आपके कुछ मार्क्स काट लिए जाएंगे। अब देखिए टेन को होता है लॉग सेक एक्स, तो लॉग सेक एक्स माइनस ए हो जाएगा, और फिर माइनस इसका भी हो जाएगा लॉग सेक एक्स माइनस बी हो जाएगा, अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर एक्स का कोफिशेंट अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स, चलिए यहाँ पर हो गया हमारे पास अब प्लस आर्बिट्ररी सी। अब इसे बस सिंप्लीफाई करके लिख देनी है, तो कितना हो जाएगा वन बाई साइन बी माइनस ए
इंटू, अब देखिए लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए बाई बी होता है, तो यहाँ हो जाएगा लॉग सेक एक्स माइनस ए अपॉन सेक एक्स माइनस बी प्लस आर्बिट्री सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। और कुछ बुक में हो सकता है कि कॉस में दिया हो, तो जो टेन होता है टेन एक्स का इंटीग्रेशन, दो इंटीग्रेशन होता है, एक तो होता है लॉग सेक एक्स, लॉग सेक एक्स होता है, और एक होता है माइनस का लॉग कॉस एक्स। तो आप चाहे अगर आप सेक एक्स लेके सॉल्व किए होंगे तो आपका आंसर ये आया होगा, अगर आपने कॉस लिया होगा तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ए पहला माइनस, माइनस माइनस से प्लस कर देगा तो उलट जाएगा, तो ये दूसरा आंसर आपका क्या होगा अगर आपने कॉस लिया होगा तो साइन बी माइनस ए इंटू लॉग, यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स माइनस बी ऊपर आया होगा और डिनोमिनेटर में कॉस एक्स माइनस ए आया होगा प्लस आर्बिट्ररी सी, ये आपका आंसर आया होगा। ठीक है, तो आई होप जो 21 से लेकर 22 तक क्वेश्चन था उसको समझाने में कामयाब रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे कि नया वीडियो जल्द से जल्द आप तक लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्रीवियस वीडियो के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप प्रीवियस एक्सरसाइज देखना चाहते हैं 7.1, 7.2 तो आप भी देख सकते हैं, अगर 7.4 देखना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। मतलब आप प्रीवियस चाहे आप फॉरवर्ड देखना, जो भी देखना है आप देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।